नमस्कार दोस्तों, पसंद इस शिक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एक एग्जाम्पल चलिए बिहार का एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो क्लर्क होते हैं से लेकर के यूपीएससी तक का एग्जाम का जो सिलेबस होता है साइंस में, खासकर क्लास सिक्स से क्लास टेन तक का एनसीईआरटी है, उसी का सिलेबस होता है। ठीक ना, उसी चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा है। उसका हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूज हो रहा है, उस बेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। और वो चीज बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, आपको कोई लेट करना है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके मैं बता रहा हूं, आप उस पॉइंट को, कंसेप्ट को फोकस कीजिएगा। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट में आता है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं हमेशा उसी पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का आज है इंट्रोडक्शन सेशन है, इसके बाद हम तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस, इसके बाद हम लोग कंबाइंड करते चलेंगे। सबसे हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन सेशन चलते हैं। केमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री एक जो है, केमिस्ट्री केमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। केमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक ना, मिस्र में इसकी उत्पत्ति स्थान था, मिस्र था, इजिप्ट जिसे इजिप्ट कहते हैं। वहां पे क्या था कि काली मिट्टी में बहुत सारे तत्व पाए गए थे, वहां के काली मिट्टी में बहुत सारे तत्व पाए गए थे, उसी को काली मिट्टी को ही हम लोग केमी बोला गया। ठीक ना, और वही केमिया एक वर्ड कन्वर्ट में हो गया। ठीक ना, तो उसी को केमिया वर्ड बोला गया। ठीक ना, और केमिया को हम लोग केमिकल बोलते हैं, और इसी को पूरे हम लोग वर्ड बोला जाता है, इसी को हम लोग केमिकल को स्टडी बोला जाता है। ठीक ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के फादर को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री के फादर कौन है और क्यों कहा जाता है इनको केमिस्ट्री का फादर। कहा तो होना चाहिए ना कि केमिस्ट्री का फादर को बोला जाता है, लेवोजियस को बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, लेवोजियस साहब को क्यों बोला गया, क्योंकि लेवोजियस साहब ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था, नामांकन जो था हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नामांकन लेवोजियस साहब ने किया था। दूसरा है कंबशन थ्योरी, दहन सिद्धांत। दहन सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, ऑक्सीजन के समय प्रेजेंस में जलाते हैं, तो वो एनर्जी जनरेट करती है। क्या करती है, एनर्जी उत्पन्न करती है, और वो जो एनर्जी होता है वो लाइट और हीट के फॉर्म में होता है, यानी प्रकाश और उष्मा के रूप में होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये था कि उनका एक बुक था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजों का वर्णन किया था, और जितने ये सब चीज है जैसे कंबशन थ्योरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामांकन, ये सब चीज को वर्णन किया गया था। और इस बिहार पे हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री का फादर्स लेवोजियस को बोला जाता है, और इन्हें केमिस्ट्री का फादर ही नहीं, आधुनिक रसायन का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक रसायन का पिता या आधुनिक रसायन का जनक या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और अब हम लोग देखिए कि आपने एक चीज नया वर्ड देख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामांकन तो कर दिया इन्होंने, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है। ये भी तो है, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है, नामांकन कौन दिया, बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, नामांकन दिया था लेवोजियस साहब ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था इन्होंने। ठीक ना, और ऑक्सीजन का खोज किया था पिछले साहब ने किया था, ये तो याद भी होगा। ठीक ना, तो ये दो चीज आपको हो गया। ठीक ना, हाइड्रोजन का नामांकन लेवोजियस साहब ने दिया था, और हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश, और ऑक्सीजन का खोज किया था पिछले ने। अब आपको ये पता नहीं कि केमिस्ट्री का चार ब्रांच होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक को कार्बनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक बोला जाता है, एक बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री बोला जाता है,
और एक है चौथा है बायोकेमिस्ट्री। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक और कार्बनिक केमिस्ट्री, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग एसिड बेस, एसिड बेस अम्ल एवं क्षार एवं साल्ट जो केमिकल कंपाउंड है उनके हम लोग विभिन्न प्रकार हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद, आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।